शहर के पार्श्वर्ती क्षेत्र में सोमवार को एक यातायात पुलिसकर्मी द्वारा ड्यूटी के दौरान दुकान के बाहर रखे सामान तथा व्हाइट लाइन से बाहर खड़े एक स्कूटर को हटाने तथा स्कूटर पर नंबर स्पष्ट नहीं होने के मामले को लेकर व्यापारियों तथा पुलिसकर्मियों में विवाद हो गया। विवाद के दौरान आक्रोशित दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी तथा पुलिसकर्मी पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। दुकानदारों द्वारा दुकानें बंद होने की जानकारी पर डिप्टी मनीष चौधरी ने व्यापारियों से बातचीत कर उन्हें डिप्टी ऑफिस बुलाया, जहां पर चौधरी तथा उपखंड अधिकारी मृदु सिंह ने व्यापारियों से बातचीत करते हुए समझाइश की। इसके बाद व्यापारियों ने अपनी बंद दुकानें खोली। जानकारी के अनुसार यातायात पुलिसकर्मी भारत राम सोमवार शाम को पार्श्वर्ती क्षेत्र में ड्यूटी कर रहा था। इस दौरान भरत राम क्षेत्र के दुकानदारों द्वारा दुकानों के बाहर रखे सामान को दुकानों के भीतर करवा रहे थे। इसी दौरान एक दुकान के बाहर खड़ा स्कूटर व्हाइट लाइन के बाहर खड़ा था, जिसकी नंबर प्लेट पर नंबर भी स्पष्ट नहीं थे। इस पर पुलिसकर्मी ने स्कूटर का चालान बनाने की बात कही। इस बात की जानकारी मिलते ही भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा दुकानदार रमेश बंसल मौके पर पहुंचे तथा यातायात पुलिसकर्मियों से बातचीत की। बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया, जिसको लेकर आक्रोशित क्षेत्र के व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और यातायात पुलिसकर्मी के व्यवहार पर एतराज जताते हुए विरोध करना शुरू कर दिया। घटनाक्रम की जानकारी पर डिप्टी मनीष चौधरी तथा एसडीएम मृदुल सिंह ने व्यापारियों से बात कर उनके साथ समझाइश तथा बंद दुकानों को खुलवाया। साथ ही यातायात कर्मी द्वारा भविष्य में ऐसा नहीं करने का भी विश्वास दिलाया। इस संदर्भ में व्यापारी रमेश बंसल ने बताया कि एक स्कूटर के नंबर स्पष्ट लिखे नहीं होने को लेकर यातायात पुलिसकर्मी के व्यवहार को लेकर व्यापारियों में विवाद हो गया था। व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी थी। डिप्टी मनीष चौधरी के साथ हुई वार्ता के बाद विवाद सुलझ गया और व्यापारियों ने अपनी बंद दुकानें खोल दी। ट्रैफिक के भरत जी के व्यवहार को लेकर व्यापारी में नाराजगी थी, व्यापार बंद किया। ये साहब से बात हुई, आईपीएस साहब से, उन्होंने सौहार्दपूर्ण वातावरण में कि भरत जी से उनका व्यवहार ठीक रहे इसके लिए उनको समझा दिया जाएगा और बहुत आराम से वार्ता हो गई और हमने अपने व्यापार खोल लिया। ये उन्होंने नंबर पीछे नंबर स्कूटर पर नंबर ढंग से नहीं दिख रहे थे, तो मैं चालान बनूंगा, इस बात को लेकर विवाद था। एक इंच व्हाइट लाइन से बाहर है, उसका विवाद था। इस संदर्भ में यातायात पुलिसकर्मी भरत राम ने बताया कि दुकानों के बाहर सामान रखने तथा वाहन खड़ा करने को लेकर व्यापारियों से समझाइश की जा रही थी। इस दौरान एक दुकान के बाहर व्हाइट लाइन के बाहर खड़े एक स्कूटर के नंबर स्पष्ट नहीं होने को लेकर दुकानदार से समझाइश करते हुए नियमानुसार चालान होने की बात कर रहा था, जिसको लेकर आसपास के व्यापारियों ने इसे इश्यू बना लिया और अपनी दुकानें बंद कर दी। भरत राम ने बताया कि वह अपनी ड्यूटी कर रहा था और यातायात नियमों का हवाला देते हुए संबंधित व्यापारी से नंबर स्पष्ट लिखवाने की समझाइश कर रहा था, जिसने किसी भी व्यापारी के साथ कोई बदतमीज नहीं की। पांच बत्ती के पास में व्यापारी लोग जो सामान दुकान से बाहर रोड पर रखते हैं, फिर उसके बाद में अपने वाहन खड़ा करते हैं। इसी दौरान एक दुकानदार का जो सामान बाहर पड़ा था, उससे सामान अंदर करवाया, गाड़ी बाहर थी तो गाड़ी को अंदर लेने के लिए बोला। दौरान है उसको समझाइश के वो गाड़ी के नंबर नहीं थे, गाड़ी नंबरों की बात को लेकर इशू बनाया तो उन्होंने नहीं समझ में आया। तो भाई मैंने कहा इन गाड़ी के नंबरों का भी चालान होता है और नहीं तो चालान होगा, आप इसको ध्यान रखें। इसी बात को लेकर बात हुई थी तो वहाँ मौजूद दुकानदार एसोसिएशन द्वारा आके आप आके हमें थोड़ा डिस्टर्ब करते हो, तो बाकी कोई लोग हमें कोई कुछ नहीं कहते हैं। वो कह रहे कि आपने हमारे साथ बदतमीजी करी है। मैंने क्या बात की बदतमीजी करी, कोई बताओ कि आपने चालान का कैसे कह दिया। तो मैंने कहा भाई हम तो गलत होगा तो चालान ही करेंगे, इस बात की इशू के चालान तो नहीं होगा कि मैं एक हम बाजार बंद कर देंगे कि आपके भैंसे बाजार में ग्राहक आना ही बंद हो गया। इस संदर्भ में स्कूटर मालिक तथा व्यापारी नरेश तोरानी ने बताया कि स्कूटर के आगे की नंबर प्लेट पर नंबर बिल्कुल साफ है, पीछे वाली नंबर प्लेट पर कुछ नंबर मिट गए हैं। इसको लेकर यातायात पुलिसकर्मी चालान काटने की बात कर रहा था। इस दौरान मेरे द्वारा नंबर सही लिखवाने की बात कही जा रही थी, लेकिन पुलिसकर्मी द्वारा सहयोग नहीं किया गया। उधर व्यापारियों का यह भी आरोप रहा कि यातायात पुलिस की ओर से प्रतिदिन की जाने वाली कार्यवाही से ग्राहकी पर असर पड़ा है। ग्राहकों को पार्श्वर्ती क्षेत्र में आना जाना कम हो गया है, जिसके कारण व्यापार घट रहा है। गाड़ी में पीछे नंबर प्लेट पे थोड़ा स्क्रैच था, नंबर साफ नहीं दिखाई दे रहे थे, इस वजह से चालान बनाया गया। लेकिन उसके लिए मैंने काफ़ी उनको गुजारिश की, मैंने साहब शाम तक मैं अपना नंबर लिखवा देता हूँ। आगे की नंबर आगे की नंबर प्लेट बिल्कुल साफ है, क्योंकि नंबर क्लियर दिखाई दे रहा है, सर कोऑपरेट नहीं कराना, लेकिन मेरे साथ कोई कोऑपरेट नहीं किया गया। ब्यावर शहर में राजस्थान का पहला विश्व स्तरीय अमेरिका जापान जर्मन की मशीनों द्वारा
आंखों की जांच मोतियाबिंद के ऑपरेशन डॉक्टर मोरे आंखों के अस्पताल में किए जाते हैं। जर्मन की लेजर मशीन से आंखों के लेंस की सफाई एवं काला पानी की जांच की जाती है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन एल्पिस माइक्रोफेको तकनीक द्वारा बिना चीरा, बिना टांका, बिना सुई के ट्रॉपिकल से फोर्डेबल, मोनोफोकल से मल्टीफोकल एवं टॉरिक लेंस प्रत्यारोपित किए जाते हैं। मिलने का स्थान ओपीडी, सोमवार से शनिवार सुबह 9:30 बजे से 1 बजे तक। तो पता नोट कीजिए, डॉक्टर मौर्य आंखों का अस्पताल मोतियाबिंद स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। डॉक्टर मौर्य आंखों का अस्पताल अजगर बाबा थान के पास सेंद्रा रोड ब्यावर। डॉक्टर मौर्य एमएस फेको सर्जन, 9 गोकुल नगर कटारिया कॉलोनी के पास गणेशपुरा रोड ब्यावर। मोबाइल नंबर 94142-64461।